नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट, जिसका लैंग्वेज चेंज हो चुका है। पता नहीं कौन सा लैंग्वेज आ चुका है यहाँ। तो यहाँ पे हम आपको थ्री डॉट में क्लिक करके दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पता नहीं कौन सा लैंग्वेज आ चुका है। तो यदि आपको भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है तो किस तरह से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यही हम आपको बताएंगे। तो चलिए पूरा देख लेते हैं वीडियो को, और ये आपका जो प्रॉब्लम है उसको मिलके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल में हम आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऊपर में जो थ्री लाइन का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आके यहाँ पे लॉग आउट कर देना होगा पहले। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे देख सकते चरखी का एक ऑप्शन मिलेगा, उसी के नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। तो यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो फिर से आप गौर से देख लीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो लॉग आउट हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन है और एक सर्च का आइकन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन है और नीचे में सर्च का आइकन है। तो यहाँ पे आपको प्लस वाला जो आइकन है उसी में आपको क्लिक करना है। ध्यान से यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन है उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आपको लैंग्वेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश अगर आपको शुरू में दिख रहा है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मोर जहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। पहले हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हमको दिख रहा है तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, जो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है तो वो बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार बैक आ जाना है आपको, तो वहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करके वहाँ पे गए थे, तो अब यहाँ से बैक आके यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं आ चुका है। तो यहाँ पे यही जो आईडी है आपका यहाँ पे उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको पासवर्ड भी मांगे, तो आपका जो आईडी का पासवर्ड है वो भी आपको डाल के यहाँ पे अगर लॉगिन करने में पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंग्वेज किए थे वो आ गया।